अप्रैल मंथ में ही होने लगी है बहुत तेज धूप। गर्मियां इतनी तेज बढ़ गई है कि अब हम सोचने लगे हैं कि हमारे गार्डन का क्या होगा, कैसे रखेंगे हम अपने गार्डन को खूबसूरत और फूलों से भरा हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ इसी को ध्यान में रखते हुए शेयर करने के लिए लाई हूँ ऐसे कुछ पौधे जिन्हें कि आप लगा के इस गर्मी यानी अप्रैल के मंथ में, अभी से ले के आप अप्रैल, मई, जून, किसी भी टाइम आप लगा सकते हैं ये पौधे जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, और इससे आप अपने गार्डन में कम केयर में ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकेंगे और अपने गार्डन को इस तपती धूप में भी काफ़ी खूबसूरत और फूलों से भरा हुआ बनाए रख सकेंगे। जो प्लांट फ्रेंड्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये काफ़ी हार्डी होंगे, लो मेंटेनेंस होंगे और साथ ही साथ इनकी प्राइस भी बहुत कम होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं वो कौन कौन से प्लांट हैं जो कि गर्मियों के मौसम में हमारे गार्डन में अच्छी खासी फ्लावरिंग करेंगे। इनमें से फ्रेंड्स सबसे पहला प्लांट है गॉम्फ्रिनो का। गॉम्फ्रिनो एक ऐसा पौधा है जिसे कि आप सेमी लाइट एरिया में और तपती धूप में दोनों स्थिति में ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसे शेड में ग्रो करते हैं तो आप इसे ऐसी जगह प्रोवाइड करिए जहाँ की इसे थोड़ी बहुत धूप लगती रहे, यानी 2-3 घंटे की। अगर आप इसे कंप्लीट धूप में ग्रो करेंगे तो भी ये प्लांट काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है, बट पानी का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये प्लांट ना ही तो अंडर वाटर बर्दाश्त करता है ना ही ओवर वाटर, यानी मीन्स कि आपको रेगुलर इसमें वाटरिंग करनी होगी और वेल ड्रेन सॉयल में आप इसे लगाएंगे तो पानी की जो प्रॉब्लम है वो कभी भी इस प्लांट में नहीं आएगी। प्राइस की बात करें तो ये प्लांट 20-25 रुपए में आसानी से आपको मिल जाएंगे। कई सारे कलर में ये प्लांट आते हैं, ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना पड़ता है और इसके फ्लावर्स भी काफ़ी स्टेबल होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो ये प्लांट सबसे अच्छा है जिनके पास समय भी नहीं है, जो कम पैसे में अच्छे पौधे चाहते हैं और कम केयर में अपने गार्डन में तपती धूप में भी फ्लावर चाहते हैं। तो गॉम्फ्रिनो का प्लांट सबसे अच्छा प्लांट होता है इस सिचुएशन में अपने गार्डन को खूबसूरत, हरा भरा और फूलों से भरा हुआ बनाए रखने के लिए। इस गर्मी अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए फ्रेंड्स आप विंका के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। विंका, सदाबहार, पेरीविंकल, इन सभी नामों से ये जाना जाता है। इस टाइम नर्सरी में आपको ये पौधे ढेर सारे कलर में, वैरायटी में मिल जाएंगे। काफ़ी हार्डी भी होते हैं, देसी वाले तो बहुत ही ज़्यादा हार्डी होते हैं और जो हाइब्रिड वाले होते हैं इन्हें थोड़ा सा पानी से हमें कंट्रोल करके इसमें वाटरिंग करनी पड़ती है, यानी आप अभी ग्रो करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होता है, बट बारिश के मौसम में इसमें थोड़ा सा पानी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ओवर वाटरिंग ना हो, अदरवाइज़ ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है। जो हाइब्रिड वाली वेराइटी है इसे आप थोड़ी सी कम लाइट में भी ग्रो कर सकते हैं और देसी वाली वेराइटी हर कंडीशन में ग्रो हो जाती है, इसीलिए हाइब्रिड वाला विंका और देसी विंका दोनों ही आप इस समर सीजन ग्रो कर सकते हैं। प्राइस वाइज बहुत कम होता है, 20-25 रुपए में ये प्लांट मिल जाता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें वाटरिंग करनी होती है, अदरवाइज इसमें और कोई केयर एक्स्ट्रा नहीं करनी होती है, ना ही तो आपको खाद, फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं देना है। हाइब्रिड वाले विंका में बस आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाए तो आपको हर वीकली आपको इसमें फंजीसाइड का स्प्रे करते रहना है जिससे कि इसमें फंगस ना लगे। तो ये प्लांट भी सबसे अच्छा प्लांट है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक प्लांट देखेंगे जो कि है Q1 बटरकफ का प्लांट। इसमें अभी फल, इसमें फ्रेंड्स अभी सारे ही फूल मुरझा गए हैं क्योंकि शाम का टाइम है और इसमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं जिसके पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। ये प्लांट भी काफ़ी हार्डी है, मैंने तो ये प्लांट परचेस नहीं किया है लेकिन अगर आप परचेस करेंगे तो ये भी प्राइस वाइज बहुत ही कम होता है, 20-25 रुपये में आपको ये प्लांट आसानी से मिल जाएंगे। काफ़ी खूबसूरत बड़े बड़े येलो कलर के इसमें फ्लावर्स आते हैं और कैसी भी कंडीशन में ये प्लांट ग्रो हो जाता है, इसमें पानी का कोई इश्यू नहीं होता है। कई कई दिनों तक अगर आप पानी देना भूल भी जाते हैं तो जैसे ही इसमें पानी देंगे ये सूखा हुआ प्लांट भी वापस से हरा भरा होने लग जाता है और अच्छी खासी फ्लावरिंग करता है। इसके साथ भी अच्छी बात ये है कि इसके भी सीड पॉट बनते हैं, जैसे जहाँ फूल खिलते हैं उसी के बगल में उसी में सीड पॉट बनते हैं और फिर उसके बाद वो सीड्स अपने आप झड़ते हैं और अपने आप नए नए पौधे बनते जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कितने सारे ये छोटे छोटे पौधे बने हुए हैं।
तो ये प्लांट इसीलिए मुझे काफ़ी पसंद है कि पानी का कोई इशू नहीं होता है, पेस्ट का कोई अटैक नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई कंडीशन ये प्लांट अपने लिए नहीं रखता है, हर स्थिति में हर कंडीशन में ग्रो होने वाला प्लांट है। इसके बाद जो प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये है कॉस्मोस का प्लांट। कॉस्मोस भी एक हार्डी प्लांट होता है, प्राइस वाइज ये प्लांट भी बहुत सस्ता होता है, बहुत कम प्राइस होते हैं। इसके एक पौधे को परचेस करेंगे तो आप वो 15-20 रुपए में आपको इजीली मिल जाएगा। जब ये पौधा आप लगाएं तो इस पौधे को एक पॉट में आप 2-3 पौधे एक साथ लगाइए, क्योंकि ये एक लंबा सा पौधा हो जाता है, इसीलिए खूबसूरती बनाए रखने के लिए 2-3 पौधे एक साथ लगाएंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इस तरह से इसमें फूल खिलते रहते हैं और कंटिन्यू खिलते रहते हैं, कितनी भी तेज़ धूप हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब ये फूल सूख जाते हैं कुछ इस तरह से, तो इसी पूरी तरह से सूखने के बाद इसी में सीड बनते हैं और उसे ही आप मिट्टी में फिर डाल दीजिए और उससे फिर से पौधे बनके तैयार हो जाते हैं। फिर ये प्लांट आपको फिर कभी भी ख़रीदना नहीं पड़ता है। तो तपती धूप में कम प्राइस में कम केयर में ये प्लांट भी आप लगा सकते हैं, इसकी भी कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती है। अगला प्लांट फ्रेंड्स आप ग्रो कर सकते हैं, ये गैलाइडिया का प्लांट, जो कि काफ़ी अच्छा खूबसूरत दिखने वाला फूल वाला पौधा है, जो कि प्राइस वाइज बहुत कम होता है, 20-25 या 30 रुपए में ये प्लांट आसानी से आपको नर्सरी में मिल जाएगा। तपती धूप में ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर जाता है, धूप का कोई इशू नहीं होता है, मैंने तो खुद देखा है इसमें धूप छाँव का कोई इशू नहीं होता है। विंटर सीजन में भी इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है, रेनी सीजन में भी अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है और साथ ही साथ समर सीजन में भी इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो इस प्लांट को भी आप ग्रो कर सकते हैं इस गर्मियों के मौसम में, जो आपके गार्डन में काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग देगा, काफ़ी अच्छा सा लुक आपके गार्डन में क्रिएट करके रखेगा। गर्मियों के मौसम में तपती धूप में फ्रेंड्स ग्रो करने के लिए मॉस रोज सबसे बेस्ट प्लांट होता है। आप देख सकते हैं ये सारे ही पौधे मैंने कटिंग से लगाए हैं, सब में ही अच्छी तरीके से बर्ड्स बन गए हैं, कुछ कुछ फ्लावर तो खिलने भी लग गए हैं। तो ये प्लांट भी बहुत ही अच्छा प्लांट है। तपती धूप में गार्डन में हरियाली और साथ साथ अच्छी सी फ्लावरिंग के लिए हम मॉस रोज को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करते हैं, तो आप भी ज़रूर ऐड करिए। इसमें दो वेराइटी आती है, ये जो आप देख रहे हैं ये सारे देसी वेराइटी है, एक हाइब्रिड आती है जो कि जिसके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं, गुलाब की तरह दिखते हैं। नर्सरी में परचेज़ करने जाएंगे तो ये प्लांट प्राइस वाइज 20 या 25 रुपीज़ आपको एक प्लांट मिलेगा और उसके बाद आप उसे अपने गार्डन में लगा के ढेरों बना सकते हैं कटिंग से। इसी से मिलता जुलता एक प्लांट है जो कि है पर्सलिन, ये भी कुछ इसी तरह का ही प्लांट है जो कि कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है और पूरी गर्मी तेज़ धूप में बहुत ही अच्छी सी फ्लावरिंग भी करता है। इसमें भी कई सारे कलर आते हैं, एक साथ जब खिलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ये प्लांट दिखता है और प्राइस वाइज भी ये प्लांट बहुत सस्ता होता है, 15-20 रुपए में ये प्लांट मिल जाता है और आपके गार्डन में पूरी गर्मी तेज़ धूप में भी ये प्लांट एकदम से खिला हुआ रहेगा, साथ ही साथ ढेरों कलर के फूल इसमें एक साथ खिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। लो मेंटेनेंस है इसीलिए इस प्लांट को आप इजीली अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप तपती धूप में ग्रो कर सकते हैं सनफ्लावर की ये मिनिएचर वेराइटी सनफ्लावर की ये मिनिएचर वेराइटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। एक बार ग्रो करने के बाद इसके सीड्स इस तरह से सूख जाएंगे, फिर उसके बाद इसे आप देखेंगे इस तरह से कुछ इसके सीड्स निकलते हैं और इसे फिर आप जहाँ जहाँ छिड़केंगे वहाँ खुद ब खुद नए नए पौधे बन जाते हैं। प्राइस भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 30-40 रुपीज़ में आपको ये प्लांट नर्सरी में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ पौधे जो कि आप इजीली अपने गार्डन में अभी से लेके लगभग नवंबर तक ग्रो कर सकते हैं, अच्छी खासी फ्लावरिंग पा सकते हैं। तपती धूप में भी इनमें बहुत ही अच्छी सी फ्लावरिंग होगी और हरा भरा बना रहेगा आपका गार्डन, साथ ही साथ खिलेंगे ढेर सारे कलरफुल से फूल जो कि आपके गार्डन को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना के रखेगा। तो इन सभी पौधों को आप ग्रो कर लीजिए। विगनर्स के लिए ये सभी पौधे काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हार्डी हैं, कम केयर में अच्छी फ्लावरिंग भी करेंगे, इसीलिए बिगनर्स के लिए ये सारे ही प्लांट बहुत ही अच्छे हैं और इजी टू मेंटेन वाले प्लांट है। तो आई होप फ्रेंड्स आज का जो ये प्लांट लिस्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया आपको पसंद आया हो, पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड इसे एक लाइक और शेयर ज़रूर करिए
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।